आईवी इंडिया न्यूज़ के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। खबर यूपी के मऊ जनपद से है, जहां थाना दक्षिण टोला अंतर्गत दसई पोखरा निवासी रिंकू यादव के 2.5 वर्षीय पुत्र विवेक यादव का पिछले 19 अक्टूबर को विजयादशमी के दिन दसई पोखरा से गायब हो गया था, जिसकी रिपोर्ट स्थानीय थाना में अज्ञात व्यक्ति द्वारा अपहरण किए जाने व गायब होने की सूचना दी गई थी, जिसकी रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के लिए SI अब्दुल कादिर खान को लगाया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप आज 22 अक्टूबर को मुखबिर की सूचना पर प्रभारी निरीक्षक दक्षिण टोला DK श्रीवास्तव व हमराई फोर्स द्वारा अपहृत बालक को कांसीराम आवास योजना कंधेरी के रूम नंबर 180 ब्लॉक नंबर 15 से बरामद व गिरफ्तार की गई। अपहरणकर्ता पूजा गौड़ पत्नी सुनील गौड़ निवासी ब्रह्मस्थान थाना रसला जनपद बलिया को भी उसी कमरे से गिरफ्तार किया गया जहां किराए पर रहती है। अपहरणकर्ता को मीडिया के सामने पेश करते हुए जानकारी आज थाना दक्षिण टोला पर क्षेत्राधिकारी मऊ ने पूछताछ में अभियुक्त पूजा गौड़ ने जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि मैंने बच्चे का अपहरण कर बेचने के लिए अपने पास रखी थी। अपहरणकर्ता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया तथा बालक को उसकी माँ बाप के सुपुर्द कर दिया गया है। उसको मारिए ताकि वो किसी बच्चे को फिर दोबारा छूने की उसकी हिम्मत न करे।